रेसिपी है उसे देखकर बच्चे बूढ़े सब टूट पड़ेंगे। यकीन मानिए, जितनी बनाओ उतनी ही कम पड़ जाएगी। इतनी टेस्टी लगेगी कि ये सब्जी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पता है, अगर ये एक बार ट्राई कर ली मेरे कहने से, तो हर हफ्ते में एक आध बार तो ये सब्जी बनानी ही पड़ेगी। ये सब्जी है पालक के कोफ्ते, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाई है। इसे बिना तले बनाया है, आपको यकीन नहीं होगा। बिना तले पालक के कोफ्ते कैसे बना सकते हैं? बहुत ही अलग अलग ट्रिक से आपको दी है, जिसकी वजह से आपको पालक के कोफ्ते इतने अच्छे बनाओगे कि आपको खुद पर ही यकीन नहीं होगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आज पनीर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तो 1 किलो पालक ले ही लीजिए। आज हमें बहुत ही अच्छी और ताज़ी बिल्कुल खेत की पालक मिल गई है। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं, ताज़े बहुत हैं। पालक को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और हमारे पालक में डंठल भी नहीं थे, और इसे बारीक कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने एक खाली पैन में इसे डाल दिया है। इसे थोड़ा सा पकाऊंगी जिससे ये कम हो जाए और इसका कच्चापन चला जाए और थोड़ा सा सीख जाए। हम इसे उबालेंगे नहीं, इसे ऐसे ही थोड़ा पकाएंगे। उबालने से क्या होता है कि इसका पूरा विटामिन थोड़ा कम ही हो जाता है। हालांकि हमें कभी कभी उबालना भी पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से पकाएं। आप कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा पकने दें और जो इसमें पानी छोड़ दिया है उसे फेंकना नहीं है। इसी परात में डालकर ठंडा होने दीजिए। चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए इसी पैन में मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल दिया है जीरा। इसको 1 सेकंड फ्राई कर देंगे और फिर डाल दिया इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च क्रश किया हुआ करीब 1 चम्मच के आसपास। अगर आपको प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप उस टाइप की ग्रेवी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं और अच्छे से पका रही हूँ। अब इसमें एक बड़ा प्याज है जिसे मैंने बारीक कट किया है और उसे भी मैंने डाल दिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च थोड़ी पक जाए उसके बाद ही आप प्याज डालिए। प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाए तब डालिए मसाले। 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। मसालों को हल्का सा भून लीजिए और इनमें 2 से 3 टमाटर बारीक कट किए हुए डाल दीजिए। चाहे ग्राइंड करके डालिए, चाहे कट करके डालिए, ये आपका मन है। इसे थोड़ा पकाइए, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। अगर ज़्यादा मसाले डालते हैं तो सब्जी का खुद का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इधर जो पालक थी मेरे पास, वो थोड़ा ठंडी हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं इसमें नमक अच्छे से डाल रही थी। इसमें मैं भुना हुआ बेसन डालने वाली हूँ। करीब करीब 1 कटोरा भुना हुआ बेसन, ठंडा किया हुआ, मैंने धीरे धीरे करके डालूंगी। अगर हम ऐसे पालक बनाते हैं तो हम नमक बहुत कम डालते हैं, पर क्योंकि बेसन है ना, बेसन की वजह से हमें नमक डालना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भी इसमें मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहे तो आप इसमें लहसुन अदरक भी डालिए, पर पालक का रियल फ्लेवर है वह ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैंने इसमें बेसन पूरी 1 कटोरी भरकर डाल दी है। अब मैं इसे थोड़ा सा रख देती हूँ, तब तक ये मसाले को देख लेती हूँ। यहाँ मसाला आज मैंने ग्राइंड नहीं किए हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है,
तो थोड़ा सा इसे इसी से दबाकर मैश कर लूँगी। मैश करके थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ऐसे मैश करने से बहुत अच्छे से पक जाती है। और अब मेरे पास है दही, आधा कटोरे से थोड़ा ज़्यादा थी दही मैंने इसमें डाल दी है और इसे मैं पका रही हूँ। जब दही डालते हैं हम तो फुल गैस पर ही इसे पकाना होता है। अब बीच में थोड़ी सी जगह कर दी है तो उसमें एक छोटी कटोरी रख दी है और इसमें पानी भी रखा है जिससे इसमें वेट रहे और हिले नहीं। एक मैंने छन्नी रख दी है, कोई भी लीजिए, आटे छानने वाली छन्नी या इस तरीके की छन्नी कोई भी लीजिए। यहाँ जो मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, इसमें सब कुछ डालकर एक तरफ रख दिया था। हाथों से गोल गोल करके इसके ऊपर रखते जाएं तो इस तरीके से हमें तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोफ्ते में जो खास बात है मैं आपको बताऊं, एक तो कच्चे नहीं लगेंगे, स्टीम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि इसे तलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बहुत बढ़िया पक जाएंगे। एक और बात, ये सॉफ्ट भी बने रहेंगे, मुलायम भी बने रहेंगे। आप चाहें तो तल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ट्रिक से आप ज़रूर एक बार बना के देखना। जैसे ही मैंने कोफ्ते रखे 10 मिनट बाद मुझे पलटने की ज़रूरत पड़ी है। हाँ, क्योंकि हमने इसमें कोफ्ते के अंदर ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही इनो कुछ भी नहीं डाला है। एक साइड से तो अच्छे से पक गए हैं, स्टीम लग गई है, लेकिन दूसरे साइड से पके तो दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट पका लिए हैं। बीच बीच में मैंने ग्रेवी को चेक किया था। जब भी मुझे लगा कि ग्रेवी में पानी कम है तो मैंने पानी और डाल दिया था। अभी पानी जो इस कटोरे में डाला था ना, वो भी इसी के अंदर डाल दिया है क्योंकि पानी कम लग रहा था। इस तरीके से कोफ्ते भी पक गए हैं 15 मिनट में और मेरी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बारी आती है एक और बात की। अब यहाँ पर मैं आधा चम्मच चीनी डाल दूंगी। इस ग्रेवी के अंदर ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बन गई है। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इस ग्रेवी में मैंने 2 से 3 बार पानी ज़रूर डाला है, लेकिन लास्ट जो हमारी ग्रेवी तैयार हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा पानी वाली नहीं चाहिए, तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये ग्रेवी ऐसी ही चाहिए जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत ही रिच टाइप के कोफ्ते, बिल्कुल वैसे ही चाहिए। तो अभी मैं कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं और इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। कोफ्तू का स्वाद रस में और रस का स्वाद कोफ्तू में आ जाए। थोड़ी देर ढक के पका लीजिए। ये कोफ्ते इतने बढ़िया हैं, टूटेंगे भी नहीं और टाइट भी नहीं। खास बात ये है, और यहाँ पर 2 चम्मच कुछ डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ? या तो दूध की फ्रेश मलाई डाल दीजिए या आपके पास कोई भी क्रीम हो वो डाल दीजिए। मेरे पास दूध की फ्रेश मलाई थी, वो डाल दी है। इसमें मलाई नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। बस वैसे ही रेसिपी बनाने की कोशिश की है मैंने। अक्सर जब पाव आधा किलो पालक खत्म नहीं कर पाते तो बुरा लगता है, लेकिन आज आप 1-1 किलो पालक बना रहे हो और मुश्किल से 4 से 5 लोग खा पाएंगे। सब लोग मांग मांग कर सब्जी को खाएंगे। मेरे घर में ये सब्जी बेहद पसंद आई है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मैं लास्ट में आपको काट के बताऊंगी कि कोफ्ता कितना सॉफ्ट हुआ। आप देख रहे हैं ना, तो तलने की ज़रूरत पड़ी और ना ही पलटने वक्त डर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
बस 15 मिनट उसे स्टीम जरूर दे दिया था। मैंने यहाँ 5-7 मिनट कोफ्ते को मैंने और पकाया, बस बढ़िया सी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस बंद कर दिया है, नीचे उतार दिया है, थोड़े हरे धनिए की गार्निश कर रही हूँ। इसे ज़्यादा रनी मत रखना, मतलब ये कोफ्ते की सब्जी अगर आप दाल के साथ भी बनाएं तो भी चलेगा। आप इस तरीके से कोफ्ते बनाएं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। बहुत सारी ऐसी सब्जी हैं जिन्हें हम बना सकते हैं और मेहमानों को खिला सकते हैं और खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, और सीजनल सब्जियों की तो बात ही कुछ और है। ये सब्जी को आप होटल की 2 डिश समझकर खाइए, मतलब 1 डिश आपको कोफ्ते की मंगाते हो तो कितनी महंगी होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 डिश बनाई है। 1 डिश में कम से कम 6, 7 या 8 कोफ्ते रख सकते हो। 15 करीब मेरे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।